दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसी भी जॉयस्टिक से कंप्यूटर का कोई भी गेम या लैपटॉप का कोई भी गेम को कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों कई लोग गेम के बड़े दीवाने होते हैं और वो चाहते हैं कि भाई जॉयस्टिक की मदद से वो अपने लैपटॉप या पीसी में गेम को कंट्रोल कर पाए, और कई लोग मार्केट से कोई भी जॉयस्टिक को ले आते हैं। दोस्तों जॉयस्टिक कोई भी खराब नहीं होता है, सभी अच्छे होते हैं, बस बात ये होती है कि किसी गेम में आपको सेटिंग करना होती है और किसी में दोस्तों सेटिंग करने के बाद भी वो गेम रिमोट से कंट्रोल नहीं होता। आज आपको हम बताने वाले हैं किस तरीके से आप किसी भी जॉयस्टिक से अपने पीसी और लैपटॉप में गेम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, जिसमें आपको हम सिखाने वाले हैं दोस्तों किसी भी मतलब पीसी रिमोट से, आप देख सकते हैं कोई भी किसी भी कंपनी का रिमोट हो और कोई भी गेम हो दोस्तों, सभी गेम को आप अपने रिमोट से कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल साइड यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं किसी भी गेम को अपन अपने जॉयस्टिक से कैसे प्ले कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में रिमोट है, पीसी का जॉयस्टिक है, आप देख सकते हैं कोई भी जॉयस्टिक चलेगा। आपको दिखाना चाहूँगा, पहले चला देखिए ये चल रहा है, और इस साइड वाला देखिए ट्रायंगल से मैं पूरा मूव कर पा रहा हूँ इसको, है ना। आपके पास कोई भी हो आप बड़ी आसानी से कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हो, बताऊँगा पहले आप देख लीजिए। इसको देखिए बैठा देता हूँ गाड़ी में, ये गाड़ी में बैठ गया है, और अब मैं देखिए दोस्तों ये पूरा बटन से काम कर रहे हैं। इसको आगे दबाता हूँ, यहाँ से देखिए ये बैक होगा, यहाँ से ये पीछे, और इस साइड से दबाऊँगा तो यहाँ देखिए देखो ये है आगे, देखिए दोस्तों ये आगे जा रहा है, देखिएगा ये आगे जा रहा है। दोस्तों तो रिमोट कोई भी आप बड़ी आसानी से कोई भी रिमोट से अपने पीसी गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए सीख लेते हैं कैसे करेंगे। दोस्तों मैंने आपको गेम प्ले करके बता दिया है, अभी गेम कैसे प्ले हो रहा है इसके लिए क्या करना होता है इस वीडियो कंप्लीट देखते रहिए जानने के लिए। सबसे पहले दोस्तों गेम कोई भी हो, जॉयस्टिक कोई भी हो, आप बड़ी आसानी से प्ले कर पाएंगे कोई से भी जॉयस्टिक से किसी भी गेम को। आपको करना क्या है, कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए आपके पीसी में या लैपटॉप में। यहाँ आपको सर्च करना है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा X360CE, और दोस्तों जो आपकी विंडो है 64 बिट है तो 64 बिट लिख दीजिएगा, और अगर 32 बिट है तो 32 बिट लिख के आप सर्च मार सकते हैं। जब सर्च मारेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आएगी X360CE की, तो इस पर आपको पहले क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा इस आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा, आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए एक बटन देखने को मिलेगा, देखिए ये लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर 32 बिट गेम्स और डाउनलोड फॉर 64 बिट गेम। तो मतलब दोस्तों ये विंडो है, आपको विंडो देखने के लिए क्या करना होगा, सिंपल आपको जिस पीसी माई पीसी जो माई कंप्यूटर होता है उस पर ऐड क्लिक कीजिएगा, और प्रॉपर्टी क्लिक कीजिएगा। यहाँ आप देख लीजिए आपकी विंडो कौन सी बिट की है, देख सकते हैं सिस्टम टाइप में लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो आपको देख लीजिए 64 बिट है या 32 बिट है, आप देख लीजिएगा, है ना। देखने के बाद जैसे मेरा 64 बिट सिस्टम है तो यहाँ पे मैं देखूंगा ये लिखा हुआ 64 बिट, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जब मैं क्लिक करूंगा तो कुछ सेकंड यहाँ उनको वेट करना होता है, ये फाइल यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, देखिए चल रही डाउनलोडिंग हो रही है ना। दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये डाउनलोड हो रही है, अब डाउनलोड हो जाए कंप्लीट तो आपको करना क्या है इसके लिए, ओपन फाइल इन फोल्डर पे क्लिक कर देना, सो फाइल इन फोल्डर। दोस्तों ये फाइल डाउनलोड में आ चुकी है मेरे, आपको करना कुछ भी नहीं है, इसको राइट क्लिक कीजिएगा, विनर फाइल आएगी या जिप फाइल आएगी, आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना। चलिए मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा अनजिप टू, है ना, और इस पर हटा दूंगा यहाँ से। अभी देखिए एक मिनट अनजिप हो जाएगी, ये देखिए दोस्तों ये आ चुका है यहाँ पे नीचे, है ना। अब मैं इसको अनजिप करना चाहूंगा उसी फोल्डर में, डाउनलोड सॉरी इसी में हो गया, ये डॉक्यूमेंट में हो चुका है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आ चुका है डॉक्यूमेंट में, अनजिप हो चुका है। अब कुछ भी नहीं करना है, ये फाइल आपकी जो आई हुई है आप देख लीजिए, से इस फाइल को आपको कॉपी कर लेना है, जितनी आपको फाइल निकले हैं 2, 3, 4 जितनी भी निकले हैं आपके सॉफ्टवेयर में उसको पूरी कॉपी कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये कॉपी कर लेने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपका गेम यहाँ पे पड़ा हुआ है जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पे आपने इंस्टॉल करा हुआ है, सिंपल जैसे मानते हैं कि जो मेरा गेम यहाँ पड़ा हुआ है, देखिए मेरा गेम पड़ा हुआ है डी ड्राइव में, तो यहाँ पर मैं सिंपल GTA 5 पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखिए ये गेम की फाइल है जहाँ भी आपका इंस्टॉल है, सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। मैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रखा हुआ, देख सकते हैं आप X360CE64 बिट लिखा हुआ है, तो आपको ये फाइल को आपके गेम में पेस्ट कर देना है। दोस्तों जब आप पेस्ट कर देंगे सिंपल इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, जब डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका कंट्रोलर ओपन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल का जो रिमोट है उससे आप कोई भी बटन को पेस्ट करेंगे तो ये सभी बर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये सब बर्ड करेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों कीबोर्ड मतलब जो मेरा बटन है जो रिमोट का बटन है उसको मैं दबा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये सभी बर्ड कर रहे हैं। इतना करने बाद कुछ भी नहीं करना आपके लिए, सब पे क्लिक कर देना है और अपने आप गेम को प्ले कर सकते हैं, वो बढ़िया सही से वर्क करेगा। दोस्तों गेम कोई भी हो, जैसे मान लीजिए आपका सी ड्राइव में कोई गेम है ना, तो अब यहाँ लोगों आपको देखने को मिल रहा हो गेम का लोगो, तो आप गेम के लोगो पे क्लिक करके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सिंपल प्रॉपर्टी में जाइएगा, प्रॉपर्टी में जाने के बाद ओपन फाइल लोकेशन में क्लिक करके और उसको पेस्ट कर सकते हैं गेम पर, है ना। तो मैं आपको
समझाने के लिए बता दिया है। और मान लीजिए अगर सी ड्राइव में नहीं हो, कहीं अंदर अपने इशू अगर रखा हुआ कहीं दूसरी ड्राइव में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है या कहीं पर रखा हुआ है, जैसे सकते हैं आप, जैसे मान लो और भी गेम में जो है, तो सिंपल यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको पेस्ट कर दूंगा तो ये गेम भी मेरा रिमोट से प्ले हो जाएगा। चलिए इतना ही करने के बाद आपकी प्रॉब्लम समाधान हो जाएगी। कोई सा भी आप रिमोट इस्तेमाल कर रहे होगा, गेम बढ़िया सही से कंट्रोल रिमोट से होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आप लोग जान गए होंगे कैसे अपन जॉयस्टिक की मदद से किसी भी पीसी गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि प्ले कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे दोस्तों तो मैं आप सभी को निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसी कई सारी यूजफुल वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।